शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों पर कठोर कार्रवाई कर रही है। अपराधियों पर नकेल कसने के क्रम में ऑपरेशन प्रहार व्यापक स्तर पर इंदौर शहर में चलाया जा रहा है। इसी ऑपरेशन के क्रम में इंदौर ग्रामीण जोन आईजी राकेश गुप्ता द्वारा अवैध हथियार निर्माण करने वाली गैंग को पकड़ने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को सक्रिय रहने के निर्देश दे रहे हैं। खरगोन पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और उनकी टीम ने सक्रियता दिखाते हुए अवैध हथियार बनाने वाली एक बड़ी गैंग को दबिश देकर पकड़ा है। इस गैंग के कुल 9 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 58 पिस्तौल और 12 देसी कट्टे, कुल 70 अवैध हथियार और हथियार बनाने की सामग्री व्यापक स्तर पर मिली है। बताया जा रहा है कि आरोपी किसी बड़े गिरोह को हथियार सप्लाई करने वाले थे, उससे पहले ही पुलिस ने धर दबोच लिया। सभी अपराधियों पर 25 आर्म्स एक्ट एवं अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। जब्त किए गए हथियार की कीमत 50 लाख बताई जा रही है। इस ऑपरेशन के सफल संचालन में डॉग स्क्वाड और तकनीक का भी आवश्यक उपयोग किया गया है। ऑपरेशन में SDOP बड़वा और SDOP बीकन गांव पुलिस टीमों ने दबिश की कार्रवाई की है। हमको ये स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि 2 थाना क्षेत्रों में जो इन्होंने इलीगल वेपन्स के कंसाइनमेंट बनाए हैं, इनकी ट्रेडिंग के लिए बड़ा कंसाइनमेंट का मूवमेंट होने वाला है। क्योंकि दोनों थाना क्षेत्रों के जंगली एरिया हैं और काफ़ी वाइड क्षेत्र है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें अधिकारी और थाना प्रभारी लगाए गए थे। एक सफल अभियान संचालित हुआ है। इस ऑपरेशन प्रहार में हमने टोटल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये 9 आरोपी संगठित आर्म्स रैकेट्स के सदस्य हैं। इनके कब्जे से और सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टिगेशन में इनके घरों से बड़ा सीजर हुआ है। टोटल करीब 70 इलीगल आर्म्स जब्त हुए हैं, जिसमें 58 पिस्टल हैं और 12 उसमें 315 बोर के देसी कट्टे हैं। जो इनसे प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिली, उसके आधार पर रेड को कंटिन्यू किया गया और इनके जो घरों में बनाने के जो कारखाने नुमा अड्डे हैं, उन पर भी दबिश दी गई। और इलीगल वेपन्स बनाने में काम आने वाले उपकरण बड़ी संख्या में जब्त हुए हैं, रॉ मटेरियल बड़ी संख्या में जब्त हुआ है। इस प्रकार ये अवैध हथियारों के जो संगठित आपराधिक रैकेट्स हैं, उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान था जो सफल हुआ है। अभी इन आरोपियों की पुलिस रिमांड लेके फर्दर इनके जो लिंकेजेस हैं, सप्लाई चेन है, उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट के जो ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ इस प्रकार के इलीगल वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग की शिकायतें आती हैं, उन पर लगातार कार्रवाई करें और इस प्रकार के क्रिमिनल ऑर्गेनाइज रैकेट्स को ख़त्म करें। ये जो पिस्टल्स हैं, ये बेसिकली जो क्रिमिनल्स के पास जाती हैं, तो सामान्य रूप से जो जानकारी में आया है कि इनकी 1 लाख रुपये तक की कीमत में बिकती हैं। टोटल जो सीजर हुआ है, लगभग 50 लाख रुपये का सीजर हुआ है। हाईटेक है सर, ये आधुनिक हथियार है। आधुनिक है सर, हथियार जैसा कि आपने अभी देखा है, जो पिस्टल्स हैं ये 9mm जो पिस्टल रहती है उसकी कॉपी की हुई है और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाई है। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। तो हैं सारे कंट्री मेड वेपन्स हैं, पर ये चूँकि अच्छी मशीनरी का उपयोग करके ग्राइंडिंग वगैरह करके बना है, तो संचालन योग्य है और काफ़ी इफेक्टिव दिख रहे हैं।